नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में वापसी कर चुके हैं, जिसके बाद टीम इंडिया का माहौल बदल सा गया है। विराट कोहली ने टीम में आते ही खिलाड़ियों में नया जोश भर दिया, जो अब मैदान पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन देखने को मिला, जिसका असर खेल पर भी दिखा और टीम इंडिया ने अफ्रीका को एक ही दिन में ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट की मदद से भारत ने तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका को 210 रन पर समेट दिया और पहली पारी में 13 रन की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे टेस्ट मैच में जब विराट कोहली पीठ की परेशानी के चलते नहीं खेले थे, तब कई क्रिकेट दिग्गजों ने कहा था कि टीम को विराट की कमी खल रही है और जोश का माहौल नजर नहीं आ रहा है। वहीं तीसरे टेस्ट मैच में कोहली की टीम में एंट्री के साथ माहौल भी बदला और टीम इंडिया का खेल भी। इसी बीच एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। दरअसल दूसरे दिन साउथ अफ्रीका पारी के दौरान वाबुमा और कीगन पीटरसन ने जमकर बल्लेबाजी की और आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में टी ब्रेक से पहले मोहम्मद शमी ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। इसके बाद कप्तान कोहली और भी जोश में आ गए। यही नहीं, कोहली ने डगआउट में बैठे अपने साथी खिलाड़ियों से, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भी गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजाते रहने का आदेश दे दिया। स्टंप माइक में उनकी ये बात कैद हो गई। कोहली ने सभी खिलाड़ियों को ताली बजती रहनी चाहिए का आदेश दिया। अपने कप्तान का आदेश पाकर सभी खिलाड़ी एक धुन में ताली बजाते दिखे। फैंस भी कोहली के इस अंदाज को देखकर दंग रह गए और कोहली के इस करिश्माई बर्ताव की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और विराट कोहली की हर जगह तारीफ की जा रही है, क्योंकि विराट कोहली ने पहली पारी में एक कप्तानी पारी भी खेली थी और टीम इंडिया को संभाला भी था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।